सॉन्ग तो बहुत अच्छा व्यूज आ रहा है सॉन्ग पे, और बैकिंग पे भी बहुत अच्छा जा रहा है आप लोग के सपोर्ट से, और इंशाल्लाह और अच्छा जाएगा। जैसे लास्ट टाइम तेरे बिन किए गया था, इंशाल्लाह उससे अच्छा जाएगा। और मैं भी ये कहना चाहूँगी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, इनफैक्ट सबकी एक्सपेक्टेशंस जो थी, आई होप आपको गाना उतना पसंद आया होगा, बिकॉज हमने तो सब कुछ ही डाल दिया गाने में, हम कुछ हम लोग भी सोच रहे थे बचा नहीं है। रात की नींद, सुबह की ठंडी, सब लग गया, हेलीकॉप्टर, प्लेन, गाड़ियाँ, सब सब आ गया इसमें। तो बस हाँ, ये शूट करते हुए बहुत मज़ा आया, और जैसे तेरे बिन किए आपको पता है हमारा गाना था जो वो टेक डाउन कर दिया गया था, तो वी ऑलवेज़ वांटेड कि हम जब नेक्स्ट गाना करें तो उसको बिगर, बेटर एंड मैसिव करें, तो हमारी पूरी कोशिश की, हमने पूरी जान लगा दी इस गाने में और पूरे दिल से बनाया है इसको। अब वीडियो से देखो, ऑडियो से देखो, या आप चाहे कोई भी आप तरफ से गाने को देखो, फ्रेश फ्रेश सॉन्ग है। मेरा नाम तो पहले से मेरा नामकरण हुआ हुआ था, और मेनियास आने से पहले नामकरण हुआ था, लेकिन टेजो का नाम जो क्यूटा है वो नहीं, उसका नामकरण वहीं पर हुआ। ये एक सीन कर रहे थे जो स्टार्टिंग का सीन आप एक देखते हैं, जो वैसे दूरबीन में देख के बोल रहा है, बहुत क्यूट है यार। नहीं तो हालांकि वो टाइम पे डायलॉग कुछ और था, हम कुछ और रख रहे थे, मगर राम जी मुझे अचानक से निकल गया था, तो बोले अभी क्यूटा रखे। वो क्यूट है तो क्या, मेरा क्या भाई भी क्यूट है। उस वक्त जन्नत लोग कार में बैठे थे और मैं और पाजी शूट कर रहे थे तभी। वैसे तो किसी ने ऐसे बोला नहीं सेट पे, बिकॉज दो दिन का तो हमारा शूट था, खैर हमारी टीम बहुत ही लिमिटेड लोगों की थी, लेकिन मुझे पर्सनली अपना नाम फ्रूटी बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट और बहुत ही मीठा नेम है, बिल्कुल फ्रूटी की तरह, और इसका नाम भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो यूनिक है कितना। और वो प्लेन पे जो चढ़ के डांस कर रहे राम जी, बहुत डर रहे थे, बहुत डर डर के हर बार पैसों चढ़ा रहा था उनको, और डर डर के अच्छा क्या चढ़ा रहा था, ऊपर चढ़ के डांस कर रहे थे तो बॉडी थोड़ी गर्म थी, नहीं तो इतनी ठंडी हो रही थी, और जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था ठंडी बढ़ती आ रही थी, तो भी अच्छा कर लिया हम लोग। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, ये दोनों शूट पे टाइम से पहुंचते थे कि जैसे आज लेट पहुंचे। अरे बाप रे। आज के लिए सबसे पहले अपॉलॉजी, सॉरी, और क्योंकि हमारा एक डांस रिहर्सल था, हम इस चक्कर में वो लेट हो गया, तो इधर थोड़ा सा डिले हो गया। आई पर्सनली सॉरी टू एवरीवन, अपॉलॉजी। कितना गुस्से में सवाल पूछा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड आई टोटली अग्री दैट बीइंग पंक्चुअल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज एन आर्टिस्ट मस्ट हैव, एंड आई हैव ऑलवेज बीन टोल्ड, मेरे डैडी ने हमेशा मुझे बोला है कि पंक्चुअल टाइम से पहले पहुँच जाओ, बट लेट नहीं होना चाहिए शूट पर, लेकिन हो जाता है कभी कभी गलती से मिस्टेक। मैं तो यही बोलूँगा कि सॉरी आज के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मैं, क्योंकि हम लोग गए थे रिहर्सल के लिए और फिर डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। इंशाल्लाह आएगा बहुत जल्दी एक और सॉन्ग भी आएगा, और ये सॉन्ग पे तो बहुत अच्छा प्यार दिख रहा है, और थोड़ा प्यार दिखे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी। फैज़ और जन्नत को बहुत पसंद करते हैं साथ में देखना, तो हम थोड़े थोड़े समय में एक गाना लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए। राम जी, आपसे सवाल है कि सॉन्ग बहुत ही पॉजिटिव वाइब दे रहा है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग लग रहा है अभी तक, और ये रिकॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा जल्दी, क्योंकि इसे बहुत अच्छे व्यूज और लाइक्स मिल रहे हैं, तो आज की यूथ को कनेक्ट करना और एक अच्छा सॉन्ग लेके आना ओरिजिनल आज के टाइम में कितना डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आपने मल्टीपल रूल्स प्ले किए हैं, तो कुछ लेकर लगेगा। आई थिंक विद फैज़ू एंड जन्नत रीच गाने की ऑब्वियसली बन जाती है, क्योंकि इनके इतने अच्छे फ़ैन फॉलोइंग है और काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं, इंडिविजुअली भी पसंद करते हैं और इनको साथ में देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड हमारी पूरी कोशिश थी कि राइट फ्रॉम दी ऑडियो मेकिंग टू दी वीडियो मेकिंग, हमें इसे इतना बेहतरीन बनाए कि लोगों की इनको देखने की जगह और ऊपर हो जाए, एंड दे कनेक्ट मोर ईजिली।
और काफ़ी क्यूट मोमेंट्स हमने क्रिएट करने के लिए कोशिश की है, और ऐसे मोमेंट्स जो लोग अब रियल लाइफ में भी करना शुरू करें। तो बस यही हमारा विजन था कि लोग गाने से कनेक्ट करें, वीडियो से कनेक्ट करें, जन्नत और फैजू से कनेक्ट करें। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया एंड वी आर वेरी ग्लैड एंड वेरी पॉजिटिव आवरसेल्व्स। आपकी केमिस्ट्री को लेकर जैसे रामजी सर ने कहा कि बहुत फैन फॉलोइंग है आप लोगों की, और केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था आपके पहले वाले गाने में, तो इस बार क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले? जैसे फैजू ने कहा कि बहुत सारे कमेंट्स भी आए, ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट है जो आपके मतलब ध्यान में रहेगा अगर कुछ शेयर करना चाहे हमारी ऑडियंस के सामने? कमेंट्स में ज़्यादा करके यही आ रहा है कि मतलब तेरे बिन कीवे से, मतलब हम लोग ने जो सोचे थे नेक्स्ट वीडियो के और अच्छा बनाएंगे, तो तेरे बिन कीवे से बहुत बहुत अच्छा और उससे ज़्यादा अच्छा बनाया हम लोग ने इस बार। ये नहीं कि हम लोग ने मतलब कंटेंट लाए तो ऐसे ही कोई कंटेंट लेके आए, अच्छा लाए और ग्रैंड कंटेंट लाए, तो ज़्यादा करके इस चीज़ के कमेंट आ रहे हैं और मेरे भी आ रहे थोड़े के मैंने डांस किया इस बार। ये पहली बार इट्स फैजू इज़ एवर डांस इन अ वीडियो, तो ये भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। एंड फैजू विद जन्नत टुगेदर डांसिंग इन अ वीडियो इज़ अगेन मेमोरी फॉर ऑल दी ऑडियंस। थैंक यू सो मच।